नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जहां आप घूमने का मजा ले सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सोमनाथ में घूमने की जगहों के बारे में, जहाँ आप घूमने का मजा ले सकते हैं। नंबर 10, प्रभास पाटन म्यूजियम, जो सोमनाथ मंदिर से लगभग 350 मीटर दूर है। और यहां पर आप 10, 11 और 12वीं सदी के कई शिल्प संभाल कर रखे हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। नंबर 9, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जो सोमनाथ में बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और यह एक ऐसी जगह है जहां आप बहुत सारी तस्वीरों को देख सकते हैं और घूम भी सकते हैं, क्योंकि यह जगह काफ़ी शांतिपूर्ण है। और यदि आप फ़ोटो खिंचवाने के शौकीन हैं तो आप यहां अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। नंबर 8, सोमनाथ बीच, जो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप यहां समुद्र किनारे बैठकर दो पल चैन से बिता सकते हैं। और यहां आप हॉर्स राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। और यदि आप दर्शनीय स्थलों की यात्रा के बाद कुछ पल शांति के बिताना चाहते हैं तो यहां घूमने जरूर जाएं। नंबर 7, सूर्य मंदिर, जो सोमनाथ बीच से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। और यह मंदिर सूर्य देव और छाया देवी को समर्पित है। और मंदिर के करीब एक सूर्य कुंड है और कुछ दूरी पर हिंगलाज माता की गुफा है, जहां हर रोज कई भक्त माता के दर्शन का लाभ लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर पौराणिक काल का है, जहां पांडव अपने अज्ञातवास के कारण यहां पर सूर्यदेव की आराधना करते थे। और यदि आप सोमनाथ जा रहे हैं तो यहां जाना ना भूलें। नंबर 6, 5 पांडव गुफा, जो त्रिवेणी संगम से लगभग 250 मीटर दूर है। और यह गुफा महाभारत काल की है और यहीं पर पांडवों की मंदिर भी बनी हुई है। इसके अलावा यहां पास में ही व्यास गुफा है, जहां आप घूमने का मजा ले सकते हैं। और यहीं पर भगवान शंकर, श्री राम, माता सीता, महावीर हनुमान और माँ दुर्गा के अलग अलग मंदिर हैं, जिनके आप दर्शन भी कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप किसी भी जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट का लिंक दिया हूँ, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में होटल, बस, प्लेन और ट्रेन तथा टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5, परशुराम जी टेम्पल, जो दर्शनीय स्थलों में से एक है। और यह मंदिर त्रिवेणी घाट के तट पर स्थित है। और इस मंदिर में 2 प्राचीन कुंड है और 3 रचना गर्भगृह, सभा मंडप और केंद्रीय मंडप बनी हुई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और गर्भगृह में भगवान परशुराम की मूर्ति है और दोनों तरफ काला और कामके की मूर्तियां हैं। और इस मंदिर में हनुमान जी और गणेश जी का विशेष स्थान है, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। नंबर 4, भालका तीर्थ, जो सोमनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। और इस जगह बनी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त को बयां करती है। और भालका तीर्थ भले ही भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी है, लेकिन आज भी ये पवित्र तीर्थ स्थलों का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। और यदि आप सोमनाथ जा रहे हैं तो इस जगह को जरूर विजिट करें। नंबर 3, प्राची तीर्थ, जो सोमनाथ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और इसे भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक माना जाता है। और इस जगह का महत्व काशी से भी ज़्यादा है, क्योंकि धार्मिक रूप से काशी के समान ही इस जगह का महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों के अनुष्ठान इसी तीर्थ पर किया था, जिसकी वजह से इसे बहुत ही महत्व दिया जाता है। इसलिए यदि आप सोमनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ जाना ना भूलें। नंबर 2, सोमनाथ मंदिर, जहाँ पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है, जिनका आप दर्शन कर मंदिर के आसपास घूमने का मजा भी ले सकते हैं। और यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। और इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। और यदि आप सोमनाथ जा रहे हैं तो यहाँ जरूर जाएं। नंबर 1, देहोत्सर्ग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और इस स्थान पर अनेक स्तंभों पर आधारित एक भव्य स्मारक एवं गीता मंदिर का भी निर्माण किया गया है, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। और यदि आप सोमनाथ जा रहे हैं तो इस जगह को अवश्य विजिट करें। तो दोस्तों इस वीडियो को इसी पर विराम देते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।